मैं KS बोर्से, माई प्रोफेशन इज टीचिंग प्रोफेशन। मेरा प्रॉब्लम यह था कि 2-3 साल से मेरे को चेस्ट में लेफ्ट साइड में कुछ दर्द होते थे। उस दिन मैंने 2.5 से 3 घंटा पढ़ाई भी की, फिर शाम को 5:30-6 बजे जब घर पहुंचा, फिर मुझे महसूस हो रहा था कि और कुछ, फिर पसीना आने लगा, बहुत ही पसीना, ये मुझे याद नहीं ठीक से, चेस्ट में लेफ्ट बाजू में बहुत दर्द होने लगा। नज़दीकी एक हॉस्पिटल है मेरे एरिया में, वहाँ पे मैं चला गया। डॉक्टर बोले कि ECG देखने के बाद लगता है आपको जरा हार्ट का प्रॉब्लम है। फिर मेरे वाइफ से कुछ उन्होंने बात करी, आप ऐसा करो वॉकआउट में आप जाइए। फिर वन ऑफ द लीडिंग सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर नेटवर्क्स इन इंडिया ऑफरिंग हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज accredited by NABH and exclusive association with Partners Medical International USC, which ensures quality healthcare and prompt nursing services. Network hospitals spread across various geography, serving patients from 6 states, enhancing quality of life every 10 minutes. तुरंत वहां गया, वहाँ डॉक्टर सुरेश सुरेशी था, मेरे एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा और बाद में शायद कुछ हो तो वो करेंगे, हम मेरे पे विश्वास करो। शुरू में ही मेरे को बताया था, फिलहाल अभी तो जो भी एंजियोग्राफी करना है हम हाथ से करेंगे। फिर राइट हैंड में यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, चाहे तो इतना ही पॉइंट है अभी, ये यहाँ से उन्होंने कुछ लंबी वायर डाली हार्ट की तरफ और 5-15 मिनट कुछ प्रोसेस चली। ये सब मैंने पहले बताया, उन्होंने मेरे को बताया भी ठीक से ऐसे ऐसे करेंगे और हम आपको बताते रहेंगे, आप बातें करेंगे, ज़्यादा बोलो मत, साथ लेते रहिए, ऐसा वैसा सब बताया और शायद एंजियोग्राफी होने हुआ होगा और बताया मेरे को कि हाँ थोड़ा ब्लॉकेजेस है। बाहर में मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उनको, दूसरे आए हुए मेरे जो ना रिश्तेदार आए थे अलॉन्ग विथ वाइफ, उनको 2-3-4 लोगों को ठीक से बता दिया। 3-4 दिन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, डॉक्टर स्टाफ अच्छा था, सपोर्टिंग स्टाफ जो भी होता है वो सब उन्होंने सब अच्छा किया, दवाइयाँ बहुत अच्छे देते थे। पहले ही रात को जब 8:30 बजे प्लास्टी जब हुआ, 15 मिनट में मेरे को कुछ हॉस्पिटल में से ही खाना प्रोवाइड करते हैं, ये मैंने खुद पहली बार एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि कम ज़्यादातर पे हमारे जो रिश्तेदार हमने एडमिट करवाए जैसे हॉस्पिटल में, वैसे वहाँ कुछ इस प्रकार की कुछ सुविधा या इस प्रकार की सिस्टम नहीं थी, यहाँ पर इन्होंने ये सिस्टम किए थे, बहुत अच्छा लगा। प्लास्टी के बाद मैं जब रेगुलर फॉलोअप 1 मंथ के बाद गया तो सब उन्होंने शायद इकोकार्डियोग्राम किया, ECG करवाया बाद में, और रेगुलर फिर डॉक्टर से मुलाकात करते रहे। तो फिर उनको मैंने पूछा कि अगर मैं 2-व्हीलर अभी चला सकता हूँ क्या, उन्होंने बताया। फिर 2-व्हीलर तो चला ही सकते, 4-व्हीलर क्या, आप ट्रैक्टर चलाइए, ऐसा उन्होंने बताया। तो इस हिसाब से मतलब ड्राइविंग इज नॉट नाउ बैरियर आई थिंक सो, उन्होंने बताया। एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो अच्छा स्वस्थ लग रहा हूँ और अच्छा लग रहा है अभी मेरे को।